अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ, साबूदाना दुधिया मिक्स खीर। कैसे बनाते हैं हम आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम पतीली रख देंगे, गैस को चालू कर देंगे। पतीली हमारी गर्म हो रही है, इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच देसी घी। ये हमने डाल दिया है, ये हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम डालेंगे 4 हरी इलायची, एक छोटे साइज का दुधिया। हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद हमने इसका पानी निकाल दिया है। अब इसको हम सबसे पहले घी में फ्राई करेंगे। इसका पानी अच्छे से सूख जाए, उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। ढक्कन लगा देंगे, दुधिया हमारा अच्छे से पक जाए। लौकी का पानी सूख गया है, लौकी को काट के हमने पानी में डाल दिया था, क्योंकि लौकी को अगर पानी में नहीं डालेंगे तो लौकी काली पड़ने लगती है, लौकी का कलर चेंज हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध, आंच को धीमा कर देंगे। हमने 1 लीटर अमूल दूध लिया है, अमूल दूध। अमूल बफेलो भैंस का दूध होता है ये, इससे खीर अच्छी बनेगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा खीर में। दूध हमने 1 लीटर इसमें डाल दिया है पतीली में, दुधिया के साथ में पक रहा है लौकी के साथ में। अब ये दूध जब अच्छे से पकने लगे फिर इसमें हम डालेंगे साबूदाना। हमने 2 कटोरी साबूदाना भिगाया था 3-4 घंटा पहले, ये फूल कर इतना हुआ। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, खीर में टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये हमारा काजू बादाम पिस्ता, हमने इसको गर्म पानी में हल्का सा बॉयल करके बारीक बारीक कट कर लिया है, तो इसमें हम डालेंगे और थोड़ा रखेंगे गार्निश के लिए। ये हमारा केसर यानी जाफरान, इसको हमने 1-1.5 घंटा पहले दूध में भिगा दिया था। दूध को अच्छे से पकाएंगे, लौकी भी अच्छे से पक जाए,
दूध अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हम डालेंगे साबूदाना। दूध हमारा अच्छे से पकने वाला है। अब इसमें हम डालेंगे साबूदाना। साबूदाना को भी अच्छे से पका लेंगे। उसको भी हमने 3-4 घंटा पहले भिगा दिया था, अच्छे से फूल गया है। उसको अच्छे से चलाते जाएंगे। साबूदाना और लौकी की खीर बहुत टेस्टी बनती है। आप भी अपने घर में बनाइए। इसको अच्छे से पहले फास्ट कर देंगे, उसके बाद फिर धीमी आंच में पकाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि नीचे जले ना। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। शक्कर आप जितना मीठा खाते हो आप अपने हिसाब से डालें। हमने ये कटोरी से 1.5 कटोरी शक्कर ली है। खीर हमारी रेडी हो गई है। गैस को हम बंद करते हैं और इसको हम बॉल में सर्व करते हैं। गाढ़ी हो गई है बिल्कुल। साबूदाना भी पक गए हैं, लौकी भी पक गई है। खीर हो गई है हमारी। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको हम बॉल में सर्व करते हैं। गाढ़ी गाढ़ी साबूदाना लौकी खीर आप भी अपने घर में बनाइए। घर में बना के खा के बताइए कैसी बनी है। इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ये अपने पूरे परिवार के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या नाम है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए।